जानकारी सभी को है लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। और अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ, जहां तेज बारिश की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया है। 3 मंजिला इमारत वहां ढह गई, एक ही घर के 4 परिवार तबाह हो गए हैं, 10 लोगों की मौत हो गई है। कहर बनकर बरसी बारिश, 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, 10 लोगों की मौत। इस इलाके में मातम पसरा है, ऐसा हादसा हुआ है जिसने कई परिवार बर्बाद कर दिए हैं। शनिवार रात बारिश ऐसी बरसी कि 3 मंजिला एक इमारत ढह गई, एक ही परिवार के करीब 15 लोग दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक के बाद एक शव निकलते गए। हादसे ने 10 लोगों की जान ले ली। मृतकों में 5 बच्चे हैं और 5 बालिक लोग भी हैं। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो पहला मंजिला यानी कि ग्राउंड फ्लोर का जो मकान था, वहाँ पर तबेला था जहाँ पर डेयरी का काम किया जाता था, इसी घर में इन भैंसों को रखा जाता था। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ, फिलहाल एक भैंस का शव यहाँ से निकाला गया है। कुछ क्रेन यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल अभी तक यहाँ पर जो NDRF की और SDRF की टीम है, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत यहाँ पर 15 लोगों को बाहर निकाला है। तब सभी लोग एक ही परिवार के थे और जिसमें से अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी के 5 लोगों को अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये घटना शहर के जाकिर कॉलोनी इलाके की है। घर में मौजूद लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। तंग गलियों में करीब 300 गज एरिया में बने इस 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर भैंस पाल कर ये परिवार डेयरी चलाता था। ऊपरी मंजिलों में 63 वर्षीय नफीस और उसके 3 बेटों के परिवार रहते थे, लेकिन अब ये परिवार पूरी तरह उजड़ चुके हैं। ये सबसे ज्यादा चुनौती का काम यहाँ पर जो रेस्क्यू में रहा वो ये था कि जो ये गलियाँ हैं ये संकरी गलियाँ हैं, तो ऐसे में इन गलियों में क्रेन्स को लेकर और जेसीबी को अंदर लेकर आना सबसे बड़ी एक चुनौती थी, जिसकी वजह से समय ज़्यादा लगा। लेकिन जो 18 घंटे का ही रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, इसके चलते जिन 15 लोगों के बारे में पता चला था उन सभी को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। संकरी गलियां हैं, लेकिन ऐसे में जो तमाम जो टीमें हैं, चाहे वो पुलिस की टीम हो, दमकल विभाग हो, NDRF की टीम हो, SDF की टीम हो, सभी टीमें लगातार यहाँ पर काम कर रही है। मोहल्ले वालों का कहना है कि यह घर यहाँ सबसे पुराना था, इसकी मरम्मत होनी थी लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। पर लोग नहीं बच पाए क्योंकि बरसात की वजह से मकान एकदम गिर गया, भरभरा करके मकान एकदम गिर गया, तो उसमें कोई कम लोग बचे हैं। बहुत मकान पुराना था, मकान मतलब ना ज़्यादा पुराना था ना ज़्यादा नया था। पर मरम्मत की जरूरत थी, मरम्मत की जरूरत हो भी सकती है, मैंने उस टाइम पे नहीं देखा था। पर यह है कि ऐसा नहीं था कि गिरा हुआ हो, है ना, वो बरसात रेगुलर पड़ी है तो इस वजह से पानी जो है, ये बरसात हल्की हल्की वाली पड़ी है तो उससे पानी अंदर तक जाता है, वो उससे डैमेज हो गया। ये सब गरीब कमज़ोर बस्ती है, पिछड़ी जाति से तमाम लोग रहते हैं यहाँ पर और मलिन बस्ती है ये। पहले गरीब आदमी 3 बार मकान बनाता, फिर छोटा सा बनाता, फिर ऊपर बनाता, फिर ऊपर बनाता, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और तमाम पूरा शहर इसमें शोक में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही आसपास के लोग, प्रशासनिक अमला सब पहुंच गया, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा था। इमारत में इस्तेमाल भारी लैंडरों के चलते मलबा हटाने में भी दिक्कत आई। एक हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। मेरठ से शुभांग सिंह, NDTV इंडिया।